स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इकोलॉजी पार्ट 5 से। इससे पहले हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने अलग अलग चीज़ों को पढ़ा, जैसे कि बायोम हो गया, एडप्टेशंस हो गया, या फिर अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज, यानी कि जब भी हम नेचर में देखते हैं ऐसा बहुत कम होता होगा कि हम देखेंगे कि भाई ये एक इकलौता इंडिविजुअल है किसी भी स्पीसीज का, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग, चाहे वो कोई भी हो, वो सब एक प्रॉपर ग्रुप में, एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, ठीक है। या तो ग्रुप में मिलेंगे, या फिर वो मतलब एक ही जगह पे सिमिलर रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, या फिर वो आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे, मतलब अपनी जो भी पॉपुलेशन होगी वो बढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो पॉपुलेशन को डिटरमाइन करती हैं। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली कंसिडर्ड अ पॉपुलेशन ऑफ द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज। वैसे तो इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा, अगर हम बोल रहे हैं इंटरब्रीडिंग मतलब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, अगर कोई इंडिविजुअल का ग्रुप निकल रहा है किससे, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से, तो उसको भी हम पॉपुलेशन कंसिडर करेंगे इकोलॉजिकल स्टडीज के उस नजरिए से देखते हुए, ठीक है। ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेट लैंड, रैट्स इन एन एबेंडेंट ड्वेलिंग, टीकवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक्ट, बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलेशन। यानी कि उसने अलग अलग चीज़ों को एग्जाम्पल दिया कि जो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर मिलती हैं, चाहे वो चूहे हो जो कहीं पर मतलब बहुत सारी क्या कहते हैं खाली बिल्डिंग है, या फिर कहीं पर उन पर रह रहे हो, कोई अगर टीकवुड है, टीकवुड के ट्रीज हैं फॉरेस्ट में तो वो भी पॉपुलेशन है, बैक्टीरिया वगैरह अगर उग रहे हैं तो ये सब पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। वेटलैंड वो एरिया होता है जो थोड़ा पानी में भरा होता है, लाइक वो ग्राउंड भी नहीं होता और प्रॉपर लेक या पॉन्ड भी नहीं होता, बीच का एरिया होता है। इन अर्लियर चैप्टर्स यू हैव लर्न दैट ऑल्दो एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द वन दैट हैज़ टू कोप विद अ चेंज एनवायरमेंट, हमने अभी तक पढ़ा है कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है, अपने आसपास के चेंज होते हुए इन्वायरमेंट से कोप करना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सेलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व द डिजायर्ड रेट। अब अगर कोई चेंज होगा, लाइक अगर कोई स्पीसीज एडवांस्ड होगी, बेटर होगी पहले से, तो वो पॉपुलेशन लेवल पे होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल में चेंज आएगा, बाकियों में आएगा ही नहीं, वो एक ही स्पीसीज का एक ही इंडिविजुअल कुछ बन जाएगा, नहीं। जो पॉपुलेशन लेवल पे प्रॉपर नेचुरल सेलेक्शन होता है वो सबके साथ होता है, पूरी पॉपुलेशन के साथ होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट्स लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये इकोलॉजी को और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है, इकोलॉजी प्लस पॉपुलेशन जेनेटिक्स को क्या करती है, लिंक करती है, ठीक है। अब जेनेटिक्स मतलब जो भी उसके अंदर चेंजेस आए ओवरऑल, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट वेयर इज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, यानी पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल के नहीं हो सकते। एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ बट अ पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मतलब एक पॉपुलेशन जो होती है उसके क्या हो सकती है, बर्थ, लाइक इंडिविजुअल का बर्थ हो सकता है या इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है, बट जब हम बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करते हैं तो वो एक पॉपुलेशन के साथ होता है, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ, यानी कि जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन में ये जो रेट्स होते हैं, देखा इनका ना निकाला जाता है प्रॉपर कि इतनों में इतना, इतनों में कैसा, इसको हम आगे समझेंगे। द रेट्स हैंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन नंबर, जो ये रेट्स हैं ना, रेट्स पर कैपिटा, ये क्या करते हैं, नंबर जो चेंज हुआ है वो एक्सप्रेस करते हैं। नाउ अब देखो किसके रेस्पेक्ट में ये नंबर शो करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। हेयर इज एन एग्जांपल, इफ इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 28, वी कैलकुलेट द बर्थ रेट एज 8/20, दैट इज इक्वल्स टू 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। यानी कि एक पॉन्ड है जहाँ पे 20 लोटस प्लांट थे लास्ट ईयर और रिप्रोडक्शन से 8 नए प्लांट ऐड हो गए,
तो आपने टोटल करंट पॉपुलेशन को लिया 28, ठीक है, लेकिन बर्थ रेट आपने कैसे कैलकुलेट करा, जो नए ऐड हुए उसको ऊपर रखा और जो नीचे हैं जो टोटल पहले थे उनको नीचे रखा, 0.4 आ गया, ठीक है। इफ फोर इंडिविजुअल्स इन अ लेबॉरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, अब देखो कह रहा है कि चार इंडिविजुअल जो जिनके साथ काम कर रहे थे वो मर गए, और कितने थे टोटल, 40 थे हमारे पास, तो हमें डेथ रेट निकालनी है, तो आ जाएगी दैट इज ये, इस तरह से आपने डेथ रेट निकाल ली, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल हुआ डेथ रेट और बर्थ रेट का। नाउ उसके बाद है इफ, ओके फाइन, यहाँ पे हमने निकाल लिया। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो, एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन का, जो सिर्फ पॉपुलेशन का हम देख सकते हैं, दैट इज सेक्स रेशियो। एक इंडिविजुअल या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, बट अ पॉपुलेशन हैज़ अ सेक्स रेशियो, यानी कि अगर एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करूँ तो या तो वो मेल हो सकता है या फीमेल, लेकिन पॉपुलेशन की बात करूँगी तो वो क्या होता है, उसका एक सेक्स रेशियो होता है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल, यानी 60% पॉपुलेशन फीमेल हो गई, 40% मेल हो गई, तो ये वहाँ का सेक्स रेशियो हो गया। अब पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन कहीं पर किसी भी गिवन टाइम में क्या होता है, उसमें इंडिविजुअल होते हैं डिफरेंट एजेस के, जिनकी एज डिफरेंट होती है। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एज पिरामिड, अगर जितनी भी पॉपुलेशन है उसका आप एज डिस्ट्रीब्यूशन कर दो प्रॉपर और उसको लाइक एक स्ट्रक्चर दो, तो वो क्या बना लेगा, एक एज पिरामिड बना लेगा। नाउ द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी इस पिरामिड की शेप आएगी ना वो दिखाएगी कि क्या ग्रोथ स्टेटस है पॉपुलेशन का, वो किस तरह से ग्रो कर रही है। एंड ग्रोथ स्टेटस का मतलब क्या हुआ, वेदर इट इज़ ग्रोइंग, ठीक है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग, यानी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है या वो रुकी हुई है, जैसी थी वैसी ही है, स्टेबल है या फिर डिक्लाइनिंग, कम हो रही है। The size of the population tell us a lot about its status in the habitat. जो size होता है population का वो काफ़ी कुछ बताता है उसके आसपास क्या उसका status है, कि किस तरह से वो मतलब as environment के comparison में, habitat के comparison में किस stage पे है वो। Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of a predator or the effect of a pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. यानी कि इसने क्या बोला, कोई भी इकोलॉजिकल प्रोसेस हमें, हम उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर कि क्या उसका इफेक्ट है या कैसे वो वर्क करता है, चाहे वो हम एक, अगर आप लोगों की कंपटीशन किसी और स्पीसीज के साथ कि भाई इस पॉपुलेशन का दूसरी स्पीसीज के साथ कंपटीशन कैसा है, या फिर जो प्रेडेटर है जो इस प्रे पे अटैक करेगा उसका, जो प्रेडेटर है उसका क्या मतलब सॉरी द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रेडेटर, यानी कि कोई प्रेडेटर जो दूसरों को खाता है वो कैसे नुकसान पहुंचा सकता है किसी को, या फिर अगर आप पेस्टिसाइड अप्लाई करोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। जब भी हम ये सारी चीज़ें स्टडी करना चाहते हैं हम उस चेंज को स्टडी करते हैं पॉपुलेशन साइज में, ठीक है, कितना पॉपुलेशन के साइज में डिफरेंस आया है। द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज दिस, यानी साइबेरियन क्रेन्स एंड भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर, यानी कि उसने क्या बोला, बहुत कम भी हो सकता है, 10 से भी नीचे हो सकता है, जो कि साइबेरियन क्रेन का होता है भरतपुर वेटलैंड में हर साल, और गो इनटू मिलियंस, यानी कि क्लेमाडोमोनास जो हैं पॉन्ड्स में उगते हैं, तो दोनों तरह से बहुत कम अफेक्ट भी हो सकता है, बहुत मतलब साइज बहुत कम भी हो सकता है पॉपुलेशन का या बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो हम पॉपुलेशन साइज को पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, जिसको डेजिग्नेटेड करते हैं एज एन, नीड नॉट नेसेसरीली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली, ज़रूरत नहीं है कि हम उसे हमेशा नंबर्स में ही मेजर करें। ऑल द टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज़ इन सम केसेज आइदर मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, यानी कि वैसे तो देखो टोटल नंबर जो होता है वो अप्रोप्रिएट मेजर होता है किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने का, ठीक है,
है, टोटल नंबर क्या होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर होता है पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने का, लेकिन कई केसेस में वो बहुत ही मुश्किल होता है निकालना। जैसे कि एक एरिया में इफ़ देयर आर 200 कैरेट ग्रास, ठीक है, एक नॉर्मली बात लेके चलते हैं, कोई एरिया है जहाँ पे 200 कैरेट ग्रास है और कैरेट ग्रास का उन्होंने साइंटिफिक नेम भी लिख रखा है पार्थेरियम हिस्टोफोरस प्लांट्स, बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बैनियन ट्री विद अ लार्ज कैनोपी स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बैनियन इज लो रिलेटिव टू दैट ऑफ कैरेट ग्रास अमाउंट टू अंडर एस्टिमेटिंग द इनर्मस रोल ऑफ बैनियन इन दैट कम्युनिटी। बहुत अच्छे पॉइंट बोला है, मैं समझा देती हूँ आपको क्या बोला है कि समझ लो ये जो कैरेट ग्रास की बात हुई है ये हम कह रहे हैं कि 200 है और उसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ एक बैनियन ट्री है जो सिर्फ एक है, तो हम अगर ये बोल दें कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बैनियन की वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू कैरेट ग्रास, बट इसका मतलब पता है क्या होगा कि आपने जो बैनियन है जो वहाँ पे वो इतना बड़ा बैनियन ट्री है जो उसका रोल है आपने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई बैनियन ट्री इतना बड़ा है आपस में और आप छोटी 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 200 ग्रासेस ले रहे हो और दोनों को कंपेयर करके कह रहे हो कि हाँ भाई डेंसिटी जो है वो जो बैनियन ट्री है उसकी बहुत कम है, तो वो तो अंडर स्टेटमेंट हो गई ना। इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर और द पॉपुलेशन साइज, यानी यहाँ पे आप इंस्टीड ऑफ टेकिंग नंबर्स यहाँ पे बायोमास या फिर वो कितना जगह कवर कर रहा है वो एक मीनिंगफुल मेजर रहेगा पॉपुलेशन साइज के लिए। टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजीली अडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल और वेरी टाइम कंज्यूमिंग। दूसरी बात, पूरा नंबर टोटल नंबर काउंट करना वो भी पॉसिबल नहीं है और ये एक ईजिली अडॉप्टेबल मेजर भी नहीं है अगर पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है। छोटी छोटी चीटियाँ लेनी हो तो भाई नंबर काउंट करने चलोगे तो पूरा दिन क्या पूरा साल निकल जाएगा, ठीक है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और ठीक भी नहीं है। सम टाइम फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देर इज नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी सर्व द पर्पज इक्वली वेल। कई बार क्या होता है अगर आप स्टडी कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इकोलॉजिकली स्टडी कुछ करना चाह रहे हो, तो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन जानने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है कि भैया आप पूरी एक एक को काउंट करो, आप रिलेटिव डेंसिटीज जो भी हैं आसपास जो आपने हिसाब निकाला है वो भी बहुत है। फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक, यानी कि अगर आप एक एग्जाम्पल दिया है जो हर ट्रैप में, मतलब आप जब कैच करते हो फिश तो हर ट्रैप में कितनी फिश आ रही हैं वो एक अच्छा तरीका हो सकता है टोटल पॉपुलेशन का आइडिया लगाने का कि भाई पूरी लेक में कितनी पॉपुलेशन है, वो सिर्फ आप उससे आइडिया लगा सकते हो जितनी आपने पकड़ी उससे, ठीक है। अब मैं एक जने की बात नहीं करी कि आप एक मछली पकड़ने गए, जो लोग प्रॉपर ट्रैप डाल के निकालते हैं फिशेज उनकी बात हो रही है। वी आर मोस्टली ऑब्लाइज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइजेस इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअल काउंटिंग देम और सीइंग देम। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन साइज को हम लोग इनडायरेक्टली मेजर कर लेते हैं, एक्चुअली उनको काउंट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली बाय सम मींस हम उसको देख लेते हैं कि अच्छा ये हो सकता है। द टाइगर सेंसेस इन अवर नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फिसल पैलेट। जो टाइगर्स को काउंट करते हैं हम कि नेशनल पार्क्स में टाइगर का नंबर कितना है कैसे है, वो हम उसके पग मार्क से, जो पग मार्क हमें मिलते हैं यानी उसके पाँव के निशान जो होते हैं पैरों के, उनसे हम लगा लेते हैं हिसाब, या फिर जो उसके जो वेस्ट उसने छोड़ा होता है फिकल पैलेट्स जो होते हैं उससे हिसाब लगा लेते हैं कि ये इतना पॉपुलेशन साइज रहा होगा या इतना साइज होगा। तो हमने एक्चुअल नहीं अकाउंट किया बट हमने एक इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ करे उसकी पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, ठीक है। तो ये था पार्ट फिफ्थ हमारी इकोलॉजी सीरीज का जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में। इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं वो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, आपको वहाँ सारे पार्ट्स दिख जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपको इकोलॉजी के और चैप्टर्स को डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको 12th बायोलॉजी इकोलॉजी सीरीज़ मिलेगी जिसमें आप प्लेलिस्ट दिखेगी जहाँ पे आप सारे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिए, एक नॉर्मल चैनल है जो सबके लिए है और एक बायोलॉजी स्पेसिफिक बच्चों के लिए, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।